आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामगढ़टेक में। दोस्तों आज का भर्ती का अपडेट जो निकल कर आया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भर्ती का अपडेट निकल कर आया है और यहां पर जो है एक नहीं दो नहीं पूरे तीन चार तरह का भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें जनरल ड्यूटी SSA कमर्शियल पायलट एंट्री टेक्निकल इंजीनियर बहुत सारे पदों पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी का अपडेट हम आपको देने वाले। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट जो है निकल कर आ चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। यह वैकेंसी का अपडेट निकल कर आया जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 1/2020 बैच के लिए भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर ले, स्टार्टिंग एप्लीकेशन जो होगा वो 24/5/2019 से होगा, अभी इसे स्टार्ट नहीं किया गया है। और इसका अंतिम तारीख जो होगा वो 4/6/2019 इसका जो है आखिरी तारीख अंतिम तारीख होगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो है जनरल ड्यूटी में अगर भरना चाहते हैं तो 1/7/1995 से लेकर 30/6/1999 के बीच का डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, तभी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड में जनरल ड्यूटी SSA के लिए भरना चाहते हैं तो 1/7/1995 से लेकर 30/6/1999 के बीच का डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, तभी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा कमर्शियल पायलट के लिए भरना चाहते हैं तो 1/7/1995 से लेकर 30/6/2001 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भर रहे हैं तो यहाँ पर 1/7/1995 से लेकर 30/6/1999 तक के लोग यहाँ पर आवेदन को कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो एज लिमिट का छूट होगा वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार होगा। वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले पोस्ट की बात कर ले तो जनरल ड्यूटी का भर्ती का अपडेट निकल कर आया जिसमें बैचलर डिग्री आपका मतलब ग्रेजुएट पास 60% फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए, तभी आप आवेदन को कर सकेंगे। सेकंड नंबर में जनरल ड्यूटी SSA के लिए निकल रहा है भर्ती का अपडेट जिसमें मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट आपका इंटर में होना चाहिए, तभी आप यहां पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सके जनरल ड्यूटी SSA में। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर में कमर्शियल पायलट के लिए अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ का सब्जेक्ट 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप यहां पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल इंजीनियर में अगर आप भरना चाहते हैं तो इंजीनियर डिग्री आपका डिसिप्लिन 60% यहां पे जो है मांगा गया है, और यहां पर देखिए एटलीस्ट 60% जो है मार्क्स आपका फिजिक्स एंड मैथ में 12 क्लास में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको डिप्लोमा कोर्स एग्रीगेटेड 60% मार्क्स में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर लॉ का पोस्ट का भर्ती का अपडेट निकल कर आया जिसमें देखिए डिग्री इन लॉ मतलब आपको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन के साथ जो है LLB का कोर्स होना चाहिए 60% के साथ, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप में से कितने लोग यहाँ पर फॉर्म को भर रहे, कितने लोग ग्रेजुएट पास है या फिर मैट्रिक इंटर है, नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर आप मैट्रिक है तो आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा कि आप कौन से क्लास पास हैं और कब पास किए हैं, आप जिला का नाम भी डाल दीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 24/5/2019 को एक्टिवेट हो जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही अपडेट देंगे, वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट देंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।